हेलो फ्रेंड्स, आई एम सतीश तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्रियदर्शनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग. एंड टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एमएचटी सीट एग्जामिनेशन 2020. सो हाउ टू यूटिलाइज दिस प्रॉपरली दिस लॉकडाउन पीरियड टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स इन द मैथमेटिक्स विच इज ऑफ 100 मार्क्स. And contact details and mail ID I have shared you, and as well as I'm having a teaching experience of 15 years that I will share you today with you. And I'm also having a one mathematics Ganit Sangrah as YouTube channel, and link is given there. You can go through that channel and you will have numbers of lectures on mathematics of different topics. जैसे 12th standard में differential equations है तो उस पर भी आपको वहाँ पर videos मिलेंगे. सो लेट अस स्टार्ट आवर प्रेजेंटेशन. इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स और 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन एमएचटी सीट एग्जामिनेशन 2020. तो पहले तो हमको पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये थोड़ा आइडिया होना, रफ आइडिया होना पहले ज़रूरी है. अगर आपको पता भी है तो भी आप देख लीजिए एक बार. सो here we are having 10 questions from the 11th standard and 40 questions from the 12th standard. मतलब total question कितने हो गए, 50. और 50 question में हर एक question 2 marks के लिए पूछा जाता है. तो total हमारे हो गए 20 plus 80 मतलब 100 marks के question. मतलब 20 marks का जो questions आते हैं वो 11th standard के book में से आ जाते हैं, जो part 1 part 2 हमारे पास है. वैसे फिर 12th standard के book में से 40 questions आ जाते हैं, ठीक है. सो और ड्यूरेशन आपको दिया जाता है 90 मिनट्स. अभी 90 मिनट्स आप देखेंगे तो 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दिया है. सेम चीज़ अगर आप देखें तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी 50-50 क्वेश्चन है, उनको दोनों को मिला के 90 मिनट्स दिया हुआ है. अब मैथमेटिक्स में क्या होता है कि कैलकुलेशंस होते हैं, तो इन कैलकुलेशंस को करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए फिर हमें ये चीज़ें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया है मैथमेटिक्स के लिए, और इसको हमको प्रॉपरली यूटिलाइज भी करना है, ठीक है. तो 100 मार्क्स है. मैं कहूँगा अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, VGTI हो गया, CUP हो गया, या अदरवाइज कोई भी ए ग्रेड, ए प्लस ग्रेड है, ए प्लस प्लस ग्रेड के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो हमारा जॉब है कि हमको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है. और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए आपको कौन से टॉपिक पे स्ट्रेस करना है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और कौन सा टॉपिक आपको छोड़ना है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ यहाँ पे. ओके, तो चलते हैं अभी हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस जो है MSCET का, वो प्रिस्क्राइब्ड यहाँ पे, जिसमें यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द कंपाउंड एंगल्स, फैक्टराइजेशन फॉर्मूली, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेट, रिलेशन, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी, सीक्वेंस सीरीज, कैलकुलस, मैट्रिसेस, वेक्टर, LPP, ऐसा पूरा सिलेबस मैंने यहाँ पे ब्रीफ में किया हूँ. तो सिलेबस तो आपको पता होगा. अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं इस पे कितने क्वेश्चंस, कितने कौन से टॉपिक पे आते हैं. जैसे अगर हम पहला देखते हैं इंटीग्रेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. इस पे 9% के क्वेश्चन आते हैं. अब 9% का मतलब कैसा हो जाएगा कि आपको एग्जामिनेशन में इंटीग्रेशन पे 4 या 5 क्वेश्चन आएंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चन. मतलब एक बहुत बड़ा वेटेज आपको इंटीग्रेशन पे दिया हुआ है, सबसे हेवी वेटेज इंटीग्रेशन पे. उसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उस पे 8% पूछ रहा है. मतलब देयर विल बी एग्जैक्टली 4 क्वेश्चन ऑन दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. 3-डायमेंशनल ज्योमेट्री, उस पर 8% मतलब 4 क्वेश्चन रहेंगे. डिफ्रेंसिएशन, इस पर 7% है, मतलब देर विल बी 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे 8% दिया हुआ है, मतलब 4 क्वेश्चन. मैट्रिसेस पे 5%, सर्कल 6%, कोनिक 5%, वेक्टर 7%, मतलब वेक्टर पर रहेंगे 3 या तो 4 क्वेश्चन. उसके बाद कंटिन्यूटी 5%, एंड उसके बाद अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे 5%, डिफरेंशियल इक्वेशन पे 6%, बर्नौलिस इक्वेशन जो बर्नौलिस ट्रायल्स होते हैं उस पर 4% मतलब 2 क्वेश्चन. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन 5%, लाइन 3%, प्लेन 4%, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे 2% मतलब 1 क्वेश्चन रहेगा. बहुत आसान टॉपिक है ये. अप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल लॉजिक परसेंटेज दिए 4, 3 और 3, ठीक है. अब देखिए अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो मैंने कुछ टॉपिक्स को रेड मार्क किया हूँ, जैसे इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, मैट्रिसेस, वेक्टर्स, कंटिन्यूटी. अब ये जो टॉपिक्स है बर्नौलिस ट्रायल्स, लाइन, प्लेन एंड मैथमेटिकल लॉजिक,
इस ये टॉपिक्स इजी हैं और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स कवर होंगे, इसलिए मैंने उसको रेड से मार्क किया। और इन टॉपिक को आप ज़रूर पढ़िएगा, आसानी से गेन हो जाता है और मार्क्स भी गेन हो जाते हैं, टॉपिक भी इजीली समझ आता है। और फॉर्मूला आपके पास कैसे अप्लाई करना है आपको आना चाहिए, तो आपको पूरे फॉर्मूले का लिस्ट बनाना पड़ेगा, पूरे फॉर्मूले को अच्छे से मगअप करना पड़ेगा, रट डालना पड़ेगा, ताकि आपको फिर बाद में उसका यूटिलाइजेशन आप कर सके कि उसको अप्लाई कैसे किया जाता है। क्योंकि मेनली क्या होता है कि जो MSCET एग्जामिनेशन होती है उसके अंदर आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला या पर्टिकुलर थ्योरी जो होती है उसको आप अप्लाई कैसे करते हैं यही देखा जाता है। ठीक है, तो आपको जब भी आप पढ़ते हैं इसमें तो आपको अप्लीकेशन पार्ट बराबर देखना है कि आप इसको आप अप्लाई कैसे करने वाले हैं पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हर एक टॉपिक में। अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, जिस टॉपिक को अभी हम इस लॉकडाउन पीरियड में करेंगे या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में करेंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ आपको 100 out of 100 भी मिल सकते हैं अगर आपने अच्छे से थरोली पूरे टॉपिक्स पढ़े और मॉक टेस्ट वगैरह की प्रिपरेशन की। तो अब इसके बाद देखते हैं पहला टॉपिक, दैट इज मैथमेटिक्स में लॉजिक। लॉजिक में आप क्या पढ़ेंगे? ट्रूथ टेबल्स, स्विचिंग सर्किट, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स, कॉन्वर्स, ड्यूअल, निगेशंस। ये इतना टॉपिक आपको करना है क्योंकि इसी पे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं। अब मेरा एनालिसिस यही रहा है कि मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर रेफर किए हैं उसके अंदर मैं देखा कि मैक्सिमम टाइम इन्हीं टॉपिक्स पे लॉजिक में क्वेश्चंस पूछे हैं। लॉजिक में आपको मैं बताता कि एक या दो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, तो इसको आपको अच्छे से करना है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आपको फॉर्मूला कैसे याद रखना है और उसके बाद उसका एप्लीकेशन कैसे करना है। जैसे अभी लॉजिक पे ये क्वेश्चन देखते हैं हम। सपोज़ यहाँ पे देखिए एग्जांपल है मेरे पास, मुझे निगेट करना है स्टेटमेंट को। अब स्टेटमेंट क्या है? इफ़ विराट कोहली लूजेज द टॉस देन द टीम विंस इज, इसका निगेशन क्या होगा? अगर देखो यहाँ पे इफ़ और देन दिख रहा है, इफ़ और देन मतलब इम्प्लीकेशन है यहाँ पे। ठीक है, आपको दो स्टेटमेंट दिख रही है, एक तो विराट कोहली लूजेस द टॉस और दूसरा द टीम विंस। तो हम क्या करते हैं, पी ले लेते हैं विराट कोहली लूजेस द टॉस और क्यू ले लेते हैं द टीम विंस। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा यहाँ पे? आप देखेंगे तो इट इज़ अ पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, अब ये पी इम्प्लाइज क्यू, इसका मुझे निगेशन करना है। अब इम्प्लीकेशन का निगेशन अगर मुझे करना है, अब निगेशन का मतलब क्या होता है? अगर स्टेटमेंट के वैल्यू ट्रू है तो मुझे रिजल्ट फॉल्स चाहिए, और अगर फॉल्स है तो मुझे रिजल्ट ट्रू चाहिए। सो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, इसका फॉर्मूला होता है पी एंड निगेशन क्यू। ओके, तो ये आपको अगर इसकी वैल्यू ट्रू है तो ये फॉल्स देगा यहाँ पर, फॉल्स है तो ट्रू देगा। तो यहाँ पे आपको देखना है पी हमने क्या लिया था, विराट कोहली लूजेस द टॉस, ये आपको चेक करना है चार ऑप्शन में से कहाँ पे है। बी पे मुझे दिख रहा है और उसके बाद डी पे भी दिख रहा है, उसके बाद निगेशन क्यू चाहिए। अब निगेशन क्यू में क्यू क्या है हमारे पास? द टीम विंस, इसका निगेशन क्या होगा? द टीम डज नॉट विन। ओके, अब डज नॉट विन कहाँ पे देखिए, आपको बी ऑप्शन दिख रहा है, विराट कोहली लूजेस द टॉस बट द टीम डज नॉट विन, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बट अब यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, उसको निगेट करने के लिए बोला तो अब क्या करते हैं, पी को भी निगेट कर देते हैं, क्यू को भी निगेशन निकाल लेते हैं। मतलब विराट कोहली डज नॉट लूजेस द टॉस, डज नॉट लूज द टॉस एंड एज वेल एज द टीम डज नॉट विंस, तो ए ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। तो पूरा का पूरा उनका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है और जीरो मार्क मिलता है। तो हमको जीरो मार्क्स नहीं चाहिए, हमको मार्क चाहिए इसके अंदर। सो वो मार्क्स हमको अप्लाई कैसे करना है पर्टिकुलर फॉर्मूले को, वो आपको बस देखते आने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक बहुत आसान टॉपिक है जिसमें है लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स, और टू वेरिएबल्स के क्वेश्चन तो हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे थ्री वेरिएबल्स के हमको सॉल्व करने हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हमको कैसे सॉल्व करते हैं, एडजॉइंट से पहले इनवर्स निकालते हैं और फिर बाद में उस इनवर्स को हम यूज़ करके अननोन की वैल्यूज निकालते हैं एक्स वाई जेड की, और उसके बाद नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स माइनस जो को फैक्टर्स, ये आपको कर लेने हैं। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक हम देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको करने हैं टॉपिक्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ITF वैल्यू, फॉर्मूली बेस्ड क्वेश्चंस, ये दो घंटे में आपका खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं देने हैं मतलब इन चीज़ों पे। ट्रिग्नोमेट्रिक एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मतलब मैं कहूँगा उसमें नंबर ऑफ फॉर्मूलेज है, तो आपको फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए और आपको ये टॉपिक्स कर लेने हैं उसके अंदर। इसमें भी 8% का वेटेज है, आप 8% मतलब चार क्वेश्चंस आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के ऊपर। बट मैं कहूँगा बहुत ही लेंदी और बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये जो टॉपिक आपको दिया हूँ मैंने इसको आप अच्छे से कीजिए। उसके बाद हम चलते हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर। स्ट्रेट लाइन में हम क्या करेंगे, जॉइंट इक्वेशन, सेपरेट इक्वेशन, जॉइंट इक्वेशन गिवन टू फॉर्म द सेपरेट इक्वेशन, उसके बाद एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस, परपेंडिकुलर्स एंड पैरेलल लाइंस,
इतने टॉपिक्स आपको कर लेने स्ट्रेट लाइन में। अब स्ट्रेट लाइन की बात है तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रेट लाइन पे एक बार क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन कैसा था कि एक लाइन दी हुई है आपको। अब आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या अदरवाइज हम इसको एक्स्ट्रा ले सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। ये भी हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया क्योंकि ये लीनियर इन एक्स और लीनियर इन वाई है। लीनियर का मतलब क्या होता है, डिग्री वन, मतलब एक्स का भी डिग्री वन है और वाई का भी डिग्री वन है। अगर ऐसे इक्वेशन आते हैं तो उसे हम कहते हैं लाइन के इक्वेशन। अब आपको लाइन का इक्वेशन दिया हुआ और आपको पूछा कि ये कौन से पॉइंट में से पास होने वाली है, चारों में से, चार आपको ऑप्शन दिए हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सिंपल सा लॉजिक है कि जो चार पॉइंट से आपको सब्सटीट्यूट करने पड़ेंगे लाइन के इक्वेशन में, और उसके बाद आपको चेक करना कि कौन से पॉइंट आपके लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और जो सेटिस्फाई कर रहे हैं वो हमारा रहेगा सॉल्यूशन, मतलब वहाँ से उस पॉइंट से हमारी लाइन पास होगी। ओके, तो एक ऐसा एक सिंपल सा मैं एग्जांपल लिया आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर, बाकी जो टॉपिक आपको दिया उसको आपको करना है। अब देखते हैं वेक्टर, वेक्टर में आपको करना है क्या, कंडीशन ऑफ पैरेलल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर्स, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन एंड पैरेललोपिपेड, एंगल बाइसेक्टर इन सेंटर, और टेक्स्ट बुक के जितने क्वेश्चन है सॉल्व उसको आपको कर लेना है। और साथ ही साथ मैं बोलूँगा जो प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन उसको भी छोड़ दीजिए, उनके स्टेटमेंट आप बस याद रखिएगा, और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन फिर आपको बस याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इट इज टॉपिक दैट इज सॉल्व एग्जाम्पल्स हमको करने हैं 3D लाइन और प्लेन के। सो 3D लाइन और प्लेन के जो और साथ में साथ वेक्टर, अगर हमने ये चार टॉपिक किया तो ये चार टॉपिक पे ही हमको 10 क्वेश्चंस मिल जाते हैं एग्जामिनेशन में। ओके, तो ये 10 क्वेश्चन बहुत इजी गेनिंग है और बोनस मार्क है, मैं कहूँगा इसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल हमारे महाराष्ट्र स्टेट की बुक में है उसको आपको करना है यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं LPP मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन इसका आता है जिसमें आपको कंस्टेंट फॉर्म करने पड़ता है या अदरवाइज ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है टू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द फंक्शन। अब मैक्सिमाइज मिनिमाइज कैसे करते हैं, आपको जो कंस्टेंट दी है उससे हम स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं, स्ट्रेट लाइन फॉर्म से हम फिजिबल रीजन ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है हर एक पॉइंट पे हम चेक करते हैं कि किस पॉइंट पे हमारे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम, जैसा पूछा है। एक क्वेश्चन तो होता है इसके ऊपर। उसके बाद कंटिन्यूटी देखते हैं, कंटिन्यूटी के अंदर एल हॉस्पिटल्स रूल से ही मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो आपको एल हॉस्पिटल्स रूल अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बिकॉज एल हॉस्पिटल्स रूल में आपको अगर मैं ऑब्जर्व किया होंगे कि 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन तो उसी से सॉल्व हो जाते हैं एल हॉस्पिटल्स रूल से। एल हॉस्पिटल्स रूल में हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं सेपरेटली और डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं सेपरेटली, और उसके बाद फिर हमारा जो लिमिट निकालना है हमको पर्टिकुलर उसको वहाँ पे वो वैल्यू पुट अप कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं डेरिवेटिव भी एक वास्ट चैप्टर है, मैं कहूँगा इंटीग्रेशन की तरह ही, आपको इसके अंदर कौन से करने, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर है वो आप कर लीजिए, 256 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिए, अगर वो आप सॉल्व करते बैठेंगे तो पूरा समय निकल जाएगा। इससे अच्छा आपको करना है क्या, चेन रूल एंड सब्सटीट्यूशन, पैरामेट्रिक डेरिवेटिव्स, लॉगरिथमिक क्वेश्चंस, डबल डेरिवेटिव्स, ये क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। ओके, और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे रेफर भी क्वेश्चन पेपर भी रेफर कर रहे हैं, जितने भी सॉल्व एग्जांपल है उसको आप कर लीजिए। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल करना है, इजी है बहुत ही। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो रहता है उसको देख लीजिए, मैक्सिमम मिनिमम पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है, इस टॉपिक को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसके बाद लैग्रेंजेस मीन थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम, अब ये जो तो टॉपिक है आपको बताता है, ये जो टॉपिक आप अभी भी करो क्योंकि ये जो टॉपिक है गेट एग्जामिनेशन में भी है, मतलब जो इंजीनियरिंग करने के बाद एग्जाम होती है गेट, आपने नाम सुना होगा, उसके अंदर भी ये टॉपिक दिए हुए हैं, मैथ्स के अंदर इस पर क्वेश्चन आते हैं, तो अगर ये टॉपिक आपने अभी कर लिए तो सामने के लिए आपको बहुत आसान जाएगा। ज्योमेट्री बेस्ड एक्सरसाइज जो भी है उसको भी आप देख लीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। इंटीग्रेशन मैं आपको बताया कि इंटीग्रेशन सबसे हाईएस्ट मार्क्स का चैप्टर है, तो इसमें 9% आता है, तो अब 9% में आपको 5 क्वेश्चन या फिर 4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको करना क्या है इसके अंदर कि सब्स्टिट्यूशन मेथड देख लीजिएगा, ट्रायंगल मेथड, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ये आप देख लीजिए, ठीक है। और जो फॉर्मूले रहते हैं उसको अच्छे से पढ़िए और अप्लाई कैसे करना है बस उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें 300 क्वेश्चन है, 300 क्वेश्चन अब एक्सरसाइज में करना ये मामूली बात नहीं है, इसमें आपका मतलब मैक्सिमम पीरियड चला जाएगा। इससे अच्छा ये चीज़ अवॉइड करो, जो टॉपिक मैं आपको बताया वो कर लीजिए। उसके बाद कीजिए डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसमें कीजिए एप्लीकेशन ऑन प्रॉपर्टी, सब्सटीट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मैंने इनडेफिनेट में बताया था, डेफिनेट में बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, और लास्ट क्वेश्चन पेपर एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व, इसके अंदर जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है पूरे बुक में दी हुए वो कर लीजिए।
उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान टॉपिक है, लोगों के मन में बहुत ज़्यादा मिथ्या भरी हुई है कि ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, आपने इसको प्रॉपरली पढ़ा नहीं इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो आप देखेंगे इसमें निकालना है आपको ऑर्डर एंड डिग्री, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पर क्वेश्चन आ गया LDE, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, मतलब फेवरेट टॉपिक है पेपर सेटर का, हमेशा इस पर क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, तो इसको अच्छे से करना है। पर्टिकुलर एंड जनरल सॉल्यूशन, देन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एंड डीके प्रॉब्लम्स, इस पर क्वेश्चन आते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन के ये पूरे टॉपिक के ऊपर लेक्चर्स अच्छे से दिए हुए हैं। या मेरे चैनल का नाम है मैथमेटिक्स गणित संग्रह, इसको आप डायरेक्टली टाइप कीजिएगा तो पहला ही चैनल आएगा, ठीक है, उसको वहाँ पर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा उस चैनल को, और साथ ही साथ ये टॉपिक्स भी आप देख लीजिएगा जो आपको बेनिफिशियल रहेंगे। उसके बाद देखते हैं प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बहुत आसान चैप्टर है और बोनस वाले मार्क्स हैं इसके अंदर भी, डायरेक्ट फॉर्मूलेज वगैरह हैं और थोड़ा सा आपको बस डेफिनेशन पढ़ना है तो आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो PDF और CDF, मतलब कंटिन्यूस और डिस्क्रीट के ऊपर जो एग्जांपल्स है उसको कर लेना है। सिंपल से इंटीग्रेशन है, सिंपल से समेशन साइंस है, मीन वेरियंस कैसे निकालते हैं, उनके स्टैंडर्ड फॉर्मूली है उसको देख लीजिएगा। उसके बाद है बर्नौलिस ट्रायल। अब बर्नौलिस ट्रायल के अंदर फॉर्मूला बेस्ड है। बर्नौलिस का ट्रायल्स का फॉर्मूला क्या है, NCx P^x Q^n-x। इसमें आपको क्या है, P, Q और N निकालना है, ओके। अब P क्या होता है, P मीन्स इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और Q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्यूर, एंड हमको रिलेशन पता है P प्लस Q क्या होता है, इट इज़ 1, ओके। P प्लस Q इक्वल टू 1, अगर P पता है तो आप Q निकाल सकते हैं, Q पता है आप P निकाल सकते हैं, और N मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स। अब जैसे देखो, मैं अगर एक कॉइन टॉस कर रहा हूँ एक बार तो नंबर ऑफ ट्रायल आएगा 1, और अगर मैं उसको दो बार टॉस कर रहा हूँ उस कॉइन को, ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स आ जाएगा 2। अगर मैं उसी कॉइन को 3 बार टॉस करूँगा तो नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या आ जाएंगे, N विल बी इट इज व्हाट 3। तो आपको बस NPQ निकालना है, फॉर्मूले में पुटअप करना है, बस थोड़ा कैलकुलेशन आपको लेंदी जा सकता है, बाकी सब चीज़ें फिर इसमें आसान है और कंपलेटिव फॉर्मूला बेस्ड है। इस पर एक या दो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में रहता है। मीन वेरियंस के फॉर्मूले भी आप देख लीजिएगा आप। उसके बाद फिर देखते हैं, अब देखिए कुछ स्टूडेंट्स का क्या है कि अब उन्होंने पढ़ाई स्टार्ट की नहीं की, अदरवाइज बहुत पहले छूट गया है, उसके बाद अभी कंसेप्ट नहीं याद आ रहे हैं चीज़ें, ऐसा हो सकता है। तो 100 में से 60 से 70 मार्क्स आपको कौन से टॉपिक पढ़ने से आ जाएंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है मैक्सिमम टाइम कि हम ऐसे ऐसे टॉपिक पे समय वेस्ट कर देते हैं कि जो हमको पढ़ने भी नहीं, और हम पढ़ लेते हैं और उसके ऊपर कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अब देखिए आपको पढ़ना है स्कोर करने के लिए, 60 और 70 मार्क्स स्कोर करने के लिए, लॉजिक, मैट्रिक्स, वेक्टर, 3D, लाइन, प्लेन, LPP, प्रोबेबिलिटी, बर्नौलिस ट्रायल, एलोस्पिटल्स रूल, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पार्शियल फ्रैक्शन, एग्जांपल्स ऑन फॉर्मूली ऑफ डेरिवेटिव, और लास्ट के जितने क्वेश्चंस है उसको आपको रेफर कर लेना है। इतने भी टॉपिक किए, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया वेक्टर, 3D, लाइन और प्लेन, इसी में 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब 20 मार्क्स हो गए यहाँ पे। बाकी लॉजिक के ऊपर एक क्वेश्चन, मैट्रिक्स के ऊपर 2 क्वेश्चन, LPP के पे एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी पे 2 क्वेश्चन, यहाँ पे बर्नौलिस ट्रायल पे 2 क्वेश्चन, एलोस्पिटल्स पे 2-3 क्वेश्चन, ऐसे मिला के आपको नियर अबाउट 60-70 मार्क्स ईजिली मिल जाते हैं अगर ये टॉपिक करते हैं। डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बस आप पढ़ लीजिए और उनको अप्लाई कैसे करते हैं उसको आप चेक कर लीजिए। इतना भी किया सफिशिएंट है बिल्कुल, 60 मार्क्स आपको आ जाएंगे अगर आप आज से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं तो। इस पर अच्छे से ध्यान दीजिए इतने टॉपिक के ऊपर। अब थोड़ा सा जनरल लुक कर लेते हैं, जनरल देखते हैं कि अभी तक मैंने आपको जो तो बताया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने चाहिए, कैसे पढ़ना है करके, कितना उनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो मैं आपको बता दिया। अब इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ कि जो पास्ट ईयर के पेपर अगर आप रेफर करोगे तो उसमें 20% रिपीटेशन के चांसेस होते हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर पढ़िए। उसके बाद बुक रेफर करने के लिए मैं आपको बोलूँगा, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर करने हैं तो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक है मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, सभी को पता है, आर्ट एंड साइंस 11th और 12th दोनों के लिए 4 कॉपी, Volume 1, Volume 2, Volume 3, Volume 4 चारों आप डालिए। उसके बाद आपको फॉर्मूला लिस्ट एक तैयार करनी है, जिस फॉर्मूला लिस्ट को आपको रोज़ रेफ़र करना है, एक पेपर बना लीजिए कहीं तो भी, रोज़ आप 5 मिनट के लिए उसको देखिए और पूरा मगअप कर लीजिए फॉर्मूले को, क्योंकि वो फॉर्मूले आपको बाद में भी आने वाले हैं यूज़ में, ओके। अब उसके बाद देखिए
कि आपको मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। पहले तो आपको सिलेबस और पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। उसके बाद कौन सी बुक्स अवेलेबल है बेस्ट, वो आपको देखनी है। और फिर एक शेड्यूल बनाना है और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि भाई मुझे आज इतने दिन में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। फिजिक्स का आज ये टॉपिक, केमिस्ट्री का आज ये टॉपिक और मैथमेटिक्स का ये टॉपिक, ये ऐसे टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 30 दिन का एक चार्ट बना दिया और उसको अच्छे से पढ़ लिया यहाँ पर। और उसके बाद फिर देखिए आपको प्रॉपरली डिवाइड करना है हर एक चीज़ को और हर एक सब टॉपिक को भी पढ़ना है, वो आने चाहिए। मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, उसमें आप जाइए मैं कहूँगा। और एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इसके अंदर। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है मतलब आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, अगर एक क्वेश्चन है तो उस पर चार ऑप्शन दिए हैं तो प्रोबेबिलिटी बोलती है कि आपका 25% चांसेस करेक्ट होने के हैं। अगर आपने अगर करेक्ट किया तो आपको 2 मार्क्स ऐड में आ जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसमें मतलब आप रिस्क इतना ले सकते हैं। तो एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा मत, आपको अगर लक आपका प्ले रोल करता है तो उस समय आपका लक अगर रोल प्ले करता है तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। सो और लास्ट में बोलूँगा मैं कि कभी भी रिवीजन ज़रूर कीजिए, जितना आप पढ़ रहे हैं दिन भर में लास्ट में 1 घंटा रखिए कि आपने जितना भी पढ़ा हो उसको रिवाइज कर ले, क्योंकि हमारा जो माइंड जो होता है ह्यूमन माइंड, वो वैनिशेबल होता है, वो जल्दी से मतलब चीज़ों को भूल जाता है, तो उसको बार बार हैमरिंग चाहिए रहता। तो आपको रिवीजन करना ज़रूरी है, जितना भी दिन में पढ़ा रात को रिवीजन कर लीजिए, फिर 1 हफ्ते के बाद जितना आपने 1 हफ्ते में पढ़ा उसको रिवीजन कर लीजिए 1 दिन में, ऐसा कीजिएगा आप। और उसके बाद अच्छे से सोइए, खाइए और हेल्दी फूड खाइए ताकि आप अच्छा एग्जामिनेशन में परफॉर्म कर सके, मैक्सिमम मार्क्स ला सके, ताकि आपको A+ या A++ कॉलेज में एडमिशन मिले। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर दिस MSCET examinations. दिस इज माई डिटेल्स, मोबाइल नंबर, मेल ID 8668532155 एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल मैथमेटिक्स गणित संग्रह। उसके बाद एक कोट मैं हमेशा बोलूँगा मैथमेटिक्स में, हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस, मतलब प्रैक्टिस हमेशा करनी है आपको और वही आपको मतलब अच्छा रिजल्ट देगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पेशेंस लिसनिंग। एक जाते जाते मैं बात बोलना चाहूँगा कि अर्जुन की तरह हमेशा ध्येय रखो और वही टॉपिक को पढ़ो अच्छे से जिस पे आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो। तो मुश्किलें दिल के इरादे आजमाएंगी, ख्वाबों के पर्दे निगाहों से हटाएंगी, गिरकर भी हौसला मत खोना मेरे ऐ दोस्त, गिरकर भी हौसला मत खोना मेरे ऐ दोस्त, ये ठोकरें ही तुम्हें चलना सिखाएगी। थैंक यू वेरी मच। मैं सतीश तिवारी आपका धन्यवाद करता हूँ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।